हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड अभी तक जो गेट में क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करके देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है दैट वाज आस्क्ड इन 1991 और इसमें बोल रहा है एक 1:50 मॉडल है ओगी स्पिलवे का, जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ सर्टेन लोकेशन। तो पूछ रहा है कि प्रोटोटाइप में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम लोगों ने जब फ्राउड्स मॉडल लॉ पढ़ा था, याद हो आपको कि फ्राउड्स मॉडल लॉ में जो एक्सेलरेशन का रेशियो आया था, एक्सेलरेशन रेशियो वॉज कम अप टू 1, दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोटाइप टू द एक्सेलरेशन ऑफ मॉडल शुड बी इक्वल्स टू 1, दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोटाइप शुड बी इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन ऑफ मॉडल। और क्योंकि ऑलरेडी मॉडल का मेरे को दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो जो प्रोटोटाइप होगा उसकी भी वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन दिख रहा है 94 में पूछा गया था, इसमें दिए हुए हैं कुछ पैरामीटर्स और पूछ रहा है द नंबर ऑफ पाई टर्म्स आर। ये क्वेश्चन बंकिंगम पाई मेथड पे बेस्ड है और हम लोग ये जानते हैं दैट द नंबर ऑफ पाई टर्म्स आर गिवन बाय एन माइनस एम, वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स। और यहाँ अगर चेक करें, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 वेरिएबल्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ एन इज 5। वेयर एज इसके अलावा अगर एम की बात करें तो एम इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल पैरामीटर्स इन्वॉल्व। अगर चेक करें यहाँ पर, देखिए एरिया में लेंथ इन्वॉल्व हो गई, वेलोसिटी में टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा और लेंथ भी इन्वॉल्व होगी, जबकि म्यू में केजी दैट इज मास भी इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब कि तीनों हमारे बेसिक फंडामेंटल पैरामीटर्स इंक्लूडेड है, दैट मींस एम की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड द नंबर ऑफ पाई टर्म्स विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 3, दैट विल बी 2 और ऑप्शन नंबर डी मेरे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है दैट वाज फ्रॉम 1995 और इसमें भी अगेन आप चेक करिए, देखिए मेरे को एक स्पिलवे दिया हुआ है जिसका एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पूछ रहा है कि प्रोटोटाइप में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन सिमिलर है जो इसके पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था उसके, और इसमें यहाँ पर भी आपका आंसर आ जाएगा 1.3 एज द एक्सेलरेशन रेशियो अकॉर्डिंग टू द फ्राउड्स मॉडल लॉ इज 1, दैट मींस द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोटाइप शुड बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ मॉडल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 96 में क्वेश्चन पूछा गया था द रिपीटिंग वेरिएबल्स इन डायमेंशनल एनालिसिस शुड, रिपीटिंग वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था बंकिंगम पाई मेथड में और वहाँ देखा था कि भाई कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे मैंने आप लोगों को रिपीटिंग वेरिएबल्स चूज करने के लिए। जरा चेक कर यहाँ पर मुझे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, बोल रहा है इंक्लूड द डिपेंडेंट वेरिएबल, बिल्कुल भी नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल को आपको चूज नहीं करना चाहिए, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन में लिखा हैव अमंग्स देमसेल्फ ऑल द बेसिक डायमेंशंस, बिल्कुल बेसिक डायमेंशन सारे के सारे होने चाहिए, तो बी मेरे को करेक्ट दिख रहा है। शुड बी डिराइवेबल फ्रॉम वन अनदर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सक्लूड वन ऑफ द, ये भी गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरे लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 2001 से लिया है और इस क्वेश्चन में जरा चेक करें मुझे क्या बोल रहा है। बोलता है दैट अ 1:50 मॉडल, दैट मीन्स लेंथ रेशियो दिया हुआ मेरे को 1:50। आगे बोल रहा है द डिस्चार्ज वॉज मेजर टू बी 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, बट ये किस में है, ये मॉडल में है, दैट इज क्यू ऑफ मॉडल है। पूछ रहा है द करस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड इज, याद हो आप लोगों को तो क्यू आर की वैल्यू आती थी इक्वल्स टू एल आर रेस टू पावर 2.5 फॉर द फ्राउड्स मॉडल, और यहाँ क्यू आर की अगर मैं लिख देता हूँ क्यू पी अपॉन क्यू एम विल बी इक्वल्स टू एल पी अपॉन एल एम होल रेस टू पावर 2.5। वैल्यूज अगर मैं पुट करूँ, देखिए क्यू पी की वैल्यू मेरे को निकालनी है जबकि मॉडल का क्यू मेरे को दिया है 0.3, एल पी अपॉन एल एम की वैल्यू हो जाएगी 50 होल रेस टू पावर 2.5। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्यू पी की वैल्यू मिल जाएगी एज 50 रेस टू पावर 2.5 into 0.3 and hence the final answer for this particular question will come up as 5303 meter cube per second, that will be our option number D। आगे बढ़ते हैं next question की तरफ, इस question में check करें 2004 का question है, इसमें बोल रहा है that the height of a hydraulic jump in the
स्टीरिंग पूल ऑफ 1:25 स्केल मॉडल, दैट मीन्स मेरे को लेंथ रेशियो दिया हुआ है एज 1:25, ठीक है। आगे बोल रहा है वॉज ऑब्जर्व टू बी 10 सेंटीमीटर, द करस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप हाइट ऑफ द जंप इज, देखिए 1:25 इसका क्या मतलब है, दैट इज द लेंथ ऑफ मॉडल टू द लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप इज 1:25, और यहाँ पर बोल क्या रहा है कि मॉडल में 10 सेंटीमीटर का यहाँ पर हाइट देखने को मिल रही है, इसका मतलब दिस इज 10 सेंटीमीटर फॉर द मॉडल, एल पी की वैल्यू मतलब हाइट इन द प्रोटोटाइप पूछ रहा है, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ एल पी विल बी इक्वल्स टू 25 × 10 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर एंड इट विल बी इक्वल्स टू 2.5 मीटर, जो कि ईजिली मेरे को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए 2006 में पूछा गया था, बोल रहा है द फ्लो ऑफ ग्लिसरीन इन एन ओपन चैनल इज टू बी मॉडल्ड, मतलब ग्लिसरीन के फ्लो का मॉडल बनाना है, दैट मींस द ग्लिसरीन न्यू इज द न्यू फॉर द प्रोटोटाइप एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁴ m² per second। वहीं इसके अलावा मॉडल बनाने के लिए आप वाटर का यूज कर रहे हो, दैट मींस न्यू फॉर द मॉडल इज 10⁻⁶ m² per second। फिर आगे बोल रहा है इफ बोथ ग्रेविटी एंड विस्कोसिटी आर इम्पॉर्टेंट देन द लेंथ स्केल रेशियो शुड बी इक्वल्स टू, ये मेरे को पूछ रहा है LR की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटी और विस्कोसिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ मॉडल शुड बी इक्वल्स टू रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप भी होना चाहिए, दैट इज अकॉर्डिंग टू द रेनॉल्ड्स लॉ, क्योंकि विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है, जबकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इंपॉर्टेंट होगा तो फ्राउड्स नंबर फॉर द मॉडल शुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू द फ्राउड्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप। फ्राउड्स नंबर की बात करिए, दैट इज गिवन बाय वी अपॉन अंडर रूट ऑफ जी एल, फॉर द मॉडल शुड बी इक्वल्स टू वी अपॉन अंडर रूट ऑफ जी एल फॉर द प्रोटोटाइप, और अगर मैं यहाँ पर रिलेशन निकालूँ तो मैं लिख सकता हूँ दैट वी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ जी एल शुड बी इक्वल्स टू 1 LR, हैंस यू कैन से दैट, देखिए जी का वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकता है, इसका मतलब यू कैन से दैट द वेलोसिटी रेशियो विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ लेंथ रेशियो। खैर वैसे ये जो डेरिवेशन है मैंने पहले भी किया है, लेकिन अगर रेनॉल्ड्स नंबर की बात करें तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है वी इंटू एल अपॉन न्यू फॉर द मॉडल शुड बी इक्वल्स टू वी इंटू एल अपॉन न्यू फॉर द प्रोटोटाइप, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दैट द वेलोसिटी रेशियो इंटू लेंथ रेशियो शुड बी इक्वल्स टू न्यू रेशियो, अगर मैं वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू इधर पुट करूँ यहाँ पर तो ये बन जाएगा एज अंडर रूट ऑफ एल आर इंटू एल आर शुड बी इक्वल्स टू न्यू रेशियो, दैट मीन्स एल आर रेस्ट पावर 3/2 इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो, दैट इज न्यू ऑफ मॉडल अपॉन न्यू ऑफ प्रोटोटाइप। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पर मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप ले लिया था रेशियो, सो मॉडल के लिए यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, मॉडल में यूज हो रहा था वाटर, दैट इज 10⁻⁶ है न्यू, जबकि प्रोटोटाइप में यूज हो रहा है ग्लिसरीन हैविंग दिस पर्टिकुलर न्यू वैल्यू, हैंस ये हो जाएगा मेरे लिए लेंथ रेशियो की वैल्यू, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर इजीली, लेंथ रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी मुझे इजीली एंड दैट विल कम अप एज 63, जो कि मेरे लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन मैंने लिया है दैट वॉज आस्क्ड इन गेट 2007, इस क्वेश्चन में देखिए मेरे को क्या बोल रहा है, दैट 1:50 मॉडल यहाँ पर लिया है, दैट इज लेंथ रेशियो दिया हुआ है 50। आगे बोल रहा है दैट द डिस्चार्ज इन द प्रोटोटाइप इज, दैट इज क्यूपी इज 1000 m³/s, पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिस्चार्ज इन मॉडल, ठीक है ये मैं ऑलरेडी जानता हूँ दैट द डिस्चार्ज रेशियो अकॉर्डिंग टू द फ्राउड्स मॉडल लॉ, क्योंकि स्पिलवे है यहाँ पर फ्राउड्स मॉडल लॉ लगेगा, और मैं लिख सकता हूँ दैट द क्यू आर विल बी इक्वल्स टू लेंथ रेशियो रेस्ट पावर 2.5, क्यू आर को मैं लिख सकता हूँ एज क्यू ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन क्यू ऑफ मॉडल विल बी इक्वल्स टू एल ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन एल ऑफ मॉडल रेस्ट पावर 2.5, क्यू पी की वैल्यू मेरे को पता है 1000 है, क्यू एम मेरे को कैलकुलेट करना है, एल पी अपॉन एल एम की बात करें तो देखिए प्रोटोटाइप की वैल्यू ज़्यादा होगी 50 रेस्ट पावर 2.5, सो यहाँ पर मैं क्यू एम की वैल्यू निकाल सकता हूँ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1000 / 50 रेस्ट पावर 2.5, और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ईजिली क्यू एम मिल जाएगा एंड दैट विल कम अप एज 0.057 m³/s, जो कि मेरे लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया है वो 2008 में पूछा गया था हमें, और इसमें बोल रहा है दैट अ रिवर रीच ऑफ 2 किलोमीटर लॉन्ग विद मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज ऑफ 10,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज फॉर द प्रोटोटाइप। एक्चुअली यहाँ पर डिस्चार्ज कितना जाता था, 10,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर आगे बोल रहा है इज टू बी फिजिकली मॉडल इन द लेबोरेटरी वेयर मैक्सिमम अवेलेबल डिस्चार्ज इन द मॉडल इज 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फॉर अ ज्योमेट्रिकली सिमिलर मॉडल बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ फ्राउड्स मॉडल फ्राउड्स नंबर द लेंथ ऑफ रिवर इज। ऑलरेडी मैं जानता हूँ कि क्यू पी अपॉन क्यू एम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एल पी अपॉन एल एम की पावर 2.5। पिछले क्वेश्चन में भी देखा था हमने। मेरे को यहाँ पर पता है कि भाई पूछ क्या रहा है, ये फॉर रिवर रीच की लेंथ पूछ रहा है। तो ठीक है, मैं लिखता हूँ लेंथ फॉर प्रोटोटाइप इज 2 किलोमीटर, दैट इज 2000 मीटर। लेंथ इन द मॉडल मेरे को कैलकुलेट करना है, रेस्ट पावर 2.5, क्यू पी मेरे को पता है 10,000 है, क्यू एम मेरे को पता है 0.2 है, रेस्ट पावर 1 रहेगी, और इधर से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल एम, और ये आ जाएगा एज 26.4 मीटर। दैट विल बी आवर ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2013 में लिया गया था, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है वो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन दिख रहा है, और इस क्वेश्चन में जरा चेक करें मेरे को क्या बोल रहा है। पहले लिस्ट वन में दिया हुआ है मैक नंबर। मैक नंबर कहाँ यूज़ करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स। कंप्रेसिबिलिटी फोर्स अगर चेक करें, मैक नंबर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फॉर मैक नंबर सेकंड में देखे, अच्छा वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखा हुआ है, तो अगर मैं मैक नंबर को मैच करना चाह रहा हूँ तो मैक नंबर को 2 से मैच कर दे, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट हो, और दिख रहा है ये है मेरे लिए P के लिए आ रहा था 2, Q के लिए आ रहा था विस्कस फोर्स वाला 3, और वेबर्स नंबर जहाँ पर सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट हो, तो सरफेस टेंशन दिख रहा है 4 में, दैट मीन्स R को मैच करोगे 4 के साथ, तो Q जो S होगा वो 1 के साथ मैच हो जाएगा। P2, Q3, R4, S1 दिख रहा है 2, 3, 4, 1, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पर 2015 का जो क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं। फ्राउड्स डायनामिक सिमिलरिटी मेंटेन करना है, तो पूछ रहा है वेलोसिटी रेशियो और लेंथ रेशियो में रिलेशन। आप ऑलरेडी जानते हो दैट वेलोसिटी रेशियो इज गिवन एज अंडर रूट ऑफ लेंथ रेशियो, जो कि ऑप्शन नंबर डी मेरे लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। इस तरह से आपने यहाँ पर गेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। देखिए यहाँ पर अभी 13 मिनट हुआ है इस पूरे वीडियो को, और मैंने यहाँ पर 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर गेट प्रीवियस ईयर, और ये तो तब की बात है जब आपको समझाया था। अगर आप खुद ही करने बैठ गए यहाँ पर, तो ये पक्की बात है कि इससे कहीं फास्ट वे में आप लोग कर सकते हो जब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो। सो इसका मतलब कि जो डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर है उस पर बेस जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। स्कोरिंग टॉपिक था, इसीलिए इस टॉपिक को कभी भी मिस हमें नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, क्योंकि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स इसमें बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, और अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जा रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं जो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में मिल जाए। तो चलिए खैर, हम लोग आगे बढ़ेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।